एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट इंग्लैंड ने जीत लिया है। रविवार को मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 135 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। मैच में इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले जॉफ्रा आर्चर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के द ओवल मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया है। रविवार को टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 135 रन से हरा दिया। जीत के लिए इंग्लैंड से मिले 399 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 77 ओवर्स में 263 रन ही बना सकी और इंग्लैंड ने मैच 135 रन से अपने नाम कर लिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेड ने सबसे ज्यादा 117 रन बनाए। मैच में इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले जॉफ्रा आर्कर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वहीं पुरी में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इस जीत के बाद इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। सीरीज ड्रॉ होने के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 56-56 पॉइंट्स मिले हैं। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 251 रन से जीता था। इसके बाद दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था, तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने 1 विकेट और चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन से जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।